हेलो फ्रेंड्स, आज हम सभी एलएनबी ओपिनियम का 5.24 का सलूशन करने जा रहे हैं। 5.24 प्रॉब्लम कंपटीशन, पीएसयू, गेट, इन सब एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक प्रॉब्लम, सिंगल प्रॉब्लम में हम बहुत सारे कंसेप्ट को समझेंगे। लगभग जितनी भी प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टी इस प्रॉब्लम में यूज हो जाएगी और उसके कंसेप्ट को भी हम समझ जाएंगे और उस प्रॉपर्टी का जो रिजल्ट है, मतलब उस प्रॉपर्टी से डिराइव्ड होके क्या क्या चीजें आ सकती है, इन सारी चीजों को भी हम इस प्रॉब्लम के माध्यम से समझेंगे। मतलब प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, ये सारे चीजों को भी समझेंगे, जिनसे मतलब वैसे कंसेप्ट को आज सीखेंगे जिससे डायरेक्ट कंपटीशन में सीधे के सीधे क्वेश्चन आ जाता है। तो देखते हैं आज के इस प्रॉब्लम को क्या कह रहा है। आप देख रहे हैं मैथोसी गुरु चैनल और मैं हूं राजीव पटेल। डिटरमाइन विच इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल हैव फूरियर ट्रांसफॉर्म दैट सेटिस्फाई ईच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। बहुत सारे सिग्नल दे रखे हैं, ए पार्ट में एक्शन दे रखा है, बी पार्ट में एक्शन दे रखा है, सी डी ई एफ जी एच, कुछ तो और अभी लिखेंगे भी नहीं है, वो लिखेंगे। इन सभी सिग्नल के बारे में हमें पता करना है कि इनका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो इन सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे पिछले प्रॉब्लम में 5.23 में हम देखे थे ना, विदाउट फाइंड एक्स ई टू डी पावर जे ओमेगा एक्सप्लिसिटली, मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म बिना निकाले हुए इनके फूरियर ट्रांसफॉर्म के कंडीशन को पता करना है। जो दे रखा है कंडीशन, पहला जैसे दे रखा है रियल पार्ट ऑफ एक्स ई टू डी पावर जे ओमेगा इक्वल टू जीरो, किन किन सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म का रियल पार्ट जीरो है बताइए। तो पहले ये जो कंडीशन दे रखा है, इन सारे कंडीशनों को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ये सारे जो कंडीशन दे रखे हैं इसका मतलब क्या है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में कंडीशन दे रखा है तो टाइम डोमेन में इसका एक्सप्लेनेशन हम कैसे कर सकते हैं। पहला दे रखा है रियल पार्ट ऑफ एक्स ई टू डी पावर जे ओमेगा इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया, एक्स ई टू डी पावर जे ओमेगा, रियल पार्ट क्या होता है, प्लस एक्स ई टू डी पावर जे ओमेगा प्लस एक्स स्टार e टू डी पावर जे ओमेगा डिवाइड बाई टू इक्वल टू जीरो दे रखा है। एकदम बेसिक से हम चलते हैं, रियल पार्ट ऑफ एक्स ई टू डी पावर जे ओमेगा मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड होता है जेड प्लस जेड बार डिवाइड बाई टू। इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसका टाइम डोमेन में देखेंगे तो एक्स एन एक्स स्टार एन का क्या होगा, एक्स स्टार एन का फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है, डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है एक्स स्टार ई टू डी पावर माइनस जे ओमेगा। अब एक्स स्टार ई टू डी पावर माइनस जे ओमेगा रहता तो एक्स स्टार एन लेते, लेकिन यहां प्लस जे ओमेगा है तो एक्स स्टार ऑफ माइनस एन लेंगे, एक्स स्टार ऑफ माइनस एन बाई टू इक्वल टू जीरो। अब जितने भी सिग्नल एक्शन दिए सारे रियल सिग्नल है, कहीं भी कोई जे का टर्म कॉम्प्लेक्स टर्म तो है नहीं, सारे के सारे क्या है रियल है, तो सारे का कंजुगेट एक्स स्टार एन एक्स एन के बराबर ही होगा, मतलब एक्स एन प्लस एक्स माइनस एन डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स एन प्लस एक्स माइनस एन बाई टू इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया, इवन पार्ट ऑफ एक्स एन इक्वल टू जीरो, क्या गया, इवन पार्ट ऑफ एक्स एन इक्वल टू जीरो, मतलब ये जो सिग्नल है इसका इवन पार्ट ऑफ एक्स एन क्या है जीरो है, इवन पार्ट जीरो है, तो एक ऐसा सिग्नल है ऑड सिग्नल, यहां से भी निकाल सकते हैं ना, इधर से एक्स एन प्लस एक्स माइनस एन इक्वल टू जीरो, एक्स एन इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस एन, ये किसकी प्रॉपर्टी है ऑड सिग्नल की। तो ये जो कंडीशन दे रखा है रियल पार्ट ऑफ एक्स ई टू डी पावर जे ओमेगा को, इसको हम फाइनली कर सकते हैं कि एक्स एन इज ऑड सिग्नल, कैसा सिग्नल है ऑड सिग्नल है,
ऑड सिग्नल बोले तो x माइनस एन इक्वल टू माइनस एक्स एन है। इसी तरीके से सेम इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्स टू डी पावर जी ओमेगा इक्वल टू जीरो को एक्सप्लोर करेंगे, ऐसे ही जैसे हमने रियल पार्ट ऑफ एक्स टू डी पावर जी ओमेगा इक्वल टू जीरो को एक्सप्लोर किया है, इसी तरीके से आप इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्स टू डी पावर जी ओमेगा इक्वल टू जीरो को एक्सप्लोर करिए और बताइए कि इसका क्या मतलब है, क्या आएगा इसका रिजल्ट, जल्दी करिए बताइए। इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्स टू डी पावर जी ओमेगा इक्वल टू जीरो, इमेजिनरी पार्ट का मतलब यहां प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा, यहां भी प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा, यहां भी माइनस हो जाएगा, राइट साइड जाएगा तो माइनस की जगह पर प्लस हो जाएगा, मतलब एक्स एन इक्वल टू एक्स माइनस एन, मतलब एक्स एन इज इवन सिग्नल, जैसे यहां आया था ऑड सिग्नल वैसे इसका मतलब एक्स एन इज इवन सिग्नल होगा। इसको मिटा देते हैं, किसी काम नहीं है अभी। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्स टू डी पावर जे ओमेगा इक्वल टू जीरो का मतलब हो गया एक्स एन इज इवन सिग्नल। कैसा सिग्नल है? इवन सिग्नल है। इवन सिग्नल आधे लोगों को नहीं समझ में आता है तो ये समझिए कि एक्स माइनस एन इक्वल टू एक्स एन, हमें चेक करना होगा कि एक्स माइनस एन एक्स एन के बराबर है या नहीं है, एक्स रिवर्सल करने पर एक्स एन के बराबर आ रहा है या माइनस एक्स एन के बराबर आ रहा है, इवन सिग्नल है या ऑड सिग्नल है। ऐसे ही देयर एग्जिस्ट अल्फा सच दैट ई टू डी पावर जे अल्फा ओमेगा एक्स ई टू डी पावर जे ओमेगा इज रियल। अभी हम देखे है ना, रियल सिग्नल का ऑड पार्ट क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है। तो एक्स ई टू डी पावर जे ओमेगा अगर रियल होगा, अगर एक्स ई टू डी पावर जे ओमेगा रियल होगा तो क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्स ई टू डी पावर जे ओमेगा जीरो होगा, इस रियल सिग्नल का इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है, और इमेजिनरी पार्ट अगर जीरो होगा तो क्या होगा? एक्स एन इज इवन सिग्नल। लेकिन एक्स ई टू डी पावर जे ओमेगा को रियल नहीं बोला है, किसको रियल बोला है? क्या बोला है? ई टू डी पावर जे अल्फा ओमेगा एक्स ई टू डी पावर जे ओमेगा रियल, इसको रियल बोला है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो टाइम डोमेन सिग्नल है वो इवन होगा, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग टाइम डोमेन सिग्नल अगर निकालेंगे तो क्या आएगा? एक्स टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, एन प्लस अल्फा, एक्स एन प्लस अल्फा इज इवन सिग्नल। तो अल्फा की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है क्या जिसमें राइट से अल्फा पॉजिटिव भी हो सकता है, अल्फा नेगेटिव भी हो सकता है, तो राइट या लेफ्ट शिफ्ट करने पे इवन सिग्नल हो सकता है क्या? तो ये जो पूरा बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट ए अल्फा सच दैट ई टू डी पावर अल्फा ओमेगा एक्स ई टू डी पावर जी ओमेगा इज रियल का मतलब क्या है? एक्स एन प्लस अल्फा इज इवन सिग्नल। हम क्या चेक करेंगे कि एक्स एन प्लस अल्फा एक्स एन में कोई शिफ्टिंग करने पे इवन सिग्नल आ रहा है क्या? कोई नहीं, फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ 5.23 में भी ऐसा आया था, हमें निकालने को ध्यान है, पिछला वीडियो आप देखे होंगे उम्मीद करते हैं, बहुत सारे लोग डायरेक्ट आसमान से टपक पड़े सीधे ये वीडियो देखने आ गए, उनके लिए ये ऐसा जो फॉर्मूला ऐसा जो इंटीग्रेशन आता है वो इनवर्स डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले में आता है। तो xn का फॉर्मूला होता है xn इक्वल टू 1 बाई 2 पाई इंटीग्रेशन विद इन 2 पाई टाइम इंटरवल, मतलब माइनस पाई टू पाई एक्स ई टू डी पावर जे ओमेगा डी ओमेगा। ई टू डी पावर जे ओमेगा एन डी ओमेगा, ठीक है। तो ई टू डी पावर जे ओमेगा एन नहीं है, है ना, हम पहले ही उड़ा दे रहे थे। तो e टू डी पावर जे ओमेगा एन को उड़ाना है तो n इक्वल टू जीरो पुट करना होगा, x जीरो इक्वल टू 1 बाई 2 पाई माइनस पाई टू पाई x e टू डी पावर जे ओमेगा डी ओमेगा, ठीक है, ठीक है, सब ठीक ठाक है।
एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा डी ओमेगा, ये आ गया माइनस पाई टू पाई एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा डी ओमेगा इक्वल टू टू पाई एक्स जीरो। टाइम डोमेन में तो एक्स जीरो ही देखेंगे ना, तो हम देखेंगे इसका मतलब टाइम डोमेन में डायरेक्ट चेक करेंगे कि टू पाई एक्स जीरो इक्वल टू जीरो है क्या, बोले तो एक्स जीरो इक्वल टू जीरो है क्या। अगर एक्स जीरो इक्वल टू जीरो आ गया मतलब फोर्थ कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। परेशान होंगे इतना लंबी प्रॉब्लम क्यों करेंगे सर, जब तक लंबी प्रॉब्लम नहीं करेंगे इस टाइप के मुश्किल वाले प्रॉब्लम नहीं करेंगे तो कंपटीशन आसान कैसे होगा भाई, है ना सर, हमसे नहीं होगा, प्रयास करने से ही सफलता मिलती है जी, प्रयास नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। जीवन में दो इंसानों की ही सजेशन लेनी चाहिए, है ना, कभी भी कुछ करने के पहले आप सजेशन लेने जाते हैं तो दो लोगों का ही सजेशन लीजिए, एक वैसे इंसानों की सजेशन, दो प्रकार के इंसानों की सजेशन लीजिए, एक वैसे इंसानों की सजेशन लीजिए जो जीवन में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, बहुत ही सक्सेस किया है, अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंचा है। जो सक्सेसफुल इंसान है वो आपको बताएगा कि सफलता कैसे मिलती है, हमने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं जिससे हम इतना ज्यादा सक्सेसफुल इंसान बने हैं, तो उनको फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से स्टेप्स लेने से हमें सक्सेस मिल सकता है। दूसरे जिस इंसान की बात कर रहा हूं जिससे आपको सजेशन लेना है, वो ऐसे इंसान से सजेशन लेना है जो असफल हो गया है, अनसक्सेसफुल हो गया है, प्रयास किया था लेकिन असफलता उसके हाथ लगी है, वैसे इंसान से सजेशन लीजिए, जरूर लीजिए, तभी पता चलेगा कि आपको जब खुद उस रास्ते पे चलना है, खुद प्रयास करना है तो किन किन स्टेप्स से हमें बचना पड़ेगा, वो कौन कौन से स्टेप्स उन्होंने अपने जीवन में लिया था जिसके कारण उनको असफलता हाथ लगी, तो उनसे सीखना बहुत जरूरी है। इन दोनों के अलावा जीवन में कभी भी ऐसे इंसान से सजेशन न लीजिए जो ना सक्सेसफुल है ना अनसक्सेसफुल है, वो जीवन में सफल भी नहीं है और जीवन में असफल भी नहीं है, मतलब उसने कभी जीवन में प्रयास ही नहीं किया है, वैसे इंसान से हमेशा दूर रहना चाहिए, वैसे इंसान से कभी भी सजेशन नहीं लीजिए, या तो अनसक्सेसफुल इंसान से सजेशन लीजिए या सक्सेसफुल इंसान से सजेशन लीजिए, वैसे इंसान से कभी सजेशन नहीं लीजिए जिसने कभी जीवन में कोई प्रयास नहीं किया है, कोई ट्राई नहीं किया है, जो है जितना है जैसे है उसी में संतुष्ट है, वैसे इंसान से कभी सजेशन नहीं लीजिए, वो आपको वैराग्य का रास्ता दिखाएगा, मुक्ति का रास्ता दिखाएगा, अलग ही रास्ते पे ले जाएगा। अब एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा पीरियोडिक, है ना, मैंने थोड़े ज्ञान की बातें इसलिए की थी कि अगला हमारा टाइम बचने वाला था। एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा पीरियोडिक किसको था, किसका होगा, तो सारे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म पीरियोडिक होता है, तो ऑल एक्सएन, है ना, जितने भी एक्सएन है सबका एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा टू पाई से पीरियोडिक तो होगा ही, टाइम पीरियड टू पाई होता है, तो जितने भी प्रॉब्लम दे रखे हैं सब, मतलब इस फाइव का तो आंसर ए बी सी डी एफ जी एच ना सारे आ जाएंगे, सारे का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, पीरियोडिक होगा, टू पाई से पीरियोडिक होता ही होता है, टाइम पीरियड इसका टू पाई होता है। सिक्स नंबर एक्स ई टू डी पावर जे जीरो इक्वल टू जीरो, अरे हमने लिखा ही नहीं कहीं फॉर्मूला एक्स ई टू डी पावर जे ओमेगा का, एक्स ई टू डी पावर जे ओमेगा का क्या फॉर्मूला होता है, समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स एन ई टू डी पावर माइनस जे ओमेगा एन। अब एक्स ई टू डी पावर जे जीरो निकालना, ये भी 23 वाले प्रॉब्लम में हमने निकाला था, एक्स ई टू डी पावर जे जीरो ओमेगा इक्वल टू जीरो पुट कर दीजिए, एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स एन ई टू डी पावर जीरो वन, तो एक्स एन का माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक का सम क्या हो, जीरो। इसका क्या मतलब हो गया, मैं मतलब यहां लिख देता हूं फिर सारे क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा। आप कहिएगा सर 12 मिनट तो ऐसे ही 14 मिनट बर्बाद कर दिए, बर्बाद नहीं किया भाई, अब इसके बाद प्रॉब्लम करने में कोई समस्या नहीं आएगी, धड़ाधड़ प्रॉब्लम बनेगा, धड़ाधड़ प्रॉब्लम बनेगा।
जो काम मेरा मेन काम था वो हो गया, अब यूं प्रॉब्लम आएगा यूं सोल्यूशन निकलेगा, तो देखते हैं कैसा प्रॉब्लम है उसमें क्या होगा। ए पार्ट प्रॉब्लम हाजिर हो, ए पार्ट में देखिए ए ऑड है या इवन है, जीरो का रिवर्सल करेंगे ना, वन वाला माइनस वन पे है, वन पे जो वैल्यू है माइनस वन पे नहीं है, ऑड भी नहीं है, वन को फोल्ड करेंगे जीरो को फोल्ड करेंगे इधर और फिर वाई एक्सिस से फोल्ड करेंगे तो भी सेम नहीं आएगा, ना तो वाई एक्सिस से फोल्ड करने पे सेम आएगा ना तो वाई एक्सिस के बाद एक्स एक्सिस से फोल्ड करने पे सेम आएगा, तो नाइदर इवन नाटो ऑड है। ए पार्ट में है ना वन भी सेटिस्फाइड नहीं है, टू भी सेटिस्फाइड नहीं है, देयर एग्जिस्ट अल्फा सच दैट ई टू डी पावर जे अल्फा ओमेगा, मतलब एक्स एन प्लस अल्फा इज इवन, कुछ शिफ्टिंग शाफ्टिंग करने से लग तो रहा है कि है ना सिमेट्री तो है, ये भी 3/2 ही है भाई, कुछ नहीं दे रखा है तो इसके सामने दे रखा है तो 1/2, ये 2 वाला अगर 0 पे हो जाता तो दोनों तरफ से सिमेट्रिक बन जाता, मतलब अगर एक्स एन प्लस 2 बना लेते तो क्या हो जाता, 0 पे 2 बन जाता, 2 यूनिट राइट लेफ्ट शिफ्ट कर देते तो 2 पे 2 है तो 0 पे 2 हो जाता, 3 पे 3/2 है तो 1 पे 3/2 हो जाता, 4 पे 1 है तो 2 पे 1 हो जाता, 5 पे 1/2 है तो 3 पे 1/2 हो जाता, और 1 पे 3/2 है तो -1 पे 3/2 हो जाता, 0 पे वाला -2 पे चला जाता और -1 वाला -3 पे चला जाता। अभी देखिए इवन सिग्नल आ गया ना, जो वन पे वैल्यू है वही वैल्यू माइनस वन पे है, जो टू वाली वैल्यू माइनस टू पे है, थ्री वाली वैल्यू थ्री पे है, एक्स एन प्लस टू इज इवन सिग्नल, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी टू, अगर टू यूनिट लेफ्ट शिफ्ट कर दे मतलब ई टू डी पावर जे टू ओमेगा एक्स ई टू डी पावर जे ओमेगा इज रियल, रियल होगा, तो थ्री पार्ट में हम क्या आंसर देंगे, यस और अल्फा इक्वल टू टू, अल्फा इक्वल टू टू पे एक्स एन प्लस टू इवन सिग्नल है तो ई टू डी पावर जे टू अल्फा एक्स ई टू डी पावर जे अल्फा जे ओमेगा रियल सिग्नल होगा। ठीक है तो ये हो गया, अब एक्स ई टू डी पावर जो ए भी तो बचा है फोर्थ, x0 इक्वल टू 0 है क्या, 0 पे 0 तो नहीं है, 0 पे बना है भाई, 0 कैसे है, तो 4 को क्रॉस कर दीजिए ना, 5 पीरियोडिक है क्या, तो पीरियोडिक तो सारे होंगे भाई, 5 तो कर ही दे, 6 माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी तक xn का सम करेंगे तो 0 आएगा क्या, ये तो सारे पॉजिटिव है, पॉजिटिव 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 का सम करेंगे तो 0 कैसे आएगा, तो 6 भी नहीं होगा, 6 भी क्रॉस कर दीजिए, तो इसके आगे भी कर दे सकते हैं, 3 में 3 के आंसर में क्या होगा ए पार्ट आएगा और 5 के आंसर में ए पार्ट आएगा, 5 में तो सारे ही आएंगे भाई, और बस है ना 3 और 5 के आंसर में ए पार्ट आएगा, मतलब 3 और 5 जो कंडीशन है फूरियर ट्रांसफॉर्म पे वो इस प्रॉब्लम के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी सारे कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो ए का काम तमाम हो गया भाई, ए को मिटा दे, चलिए एक मिटता जाएगा तो हमारा काम आसान होता जाएगा, ए को देखना बंद करिए, बी को देखिए, बी कैसा है, इवन सिग्नल है ऑड सिग्नल, इधर देखिए बी है, हाँ इवन ऑड चेक करने के लिए क्या करिए, इधर वाले को पलटिए, इधर ऐसे पलटिए, इधर वाले को उलट करके ऐसे पलटिए, सेम आ रहा है क्या, वन वाला वन पे ऊपर तो नहीं नीचे आ रहा है ना, इसको पलटेंगे तो यहां एक नीचे आएगा, थ्री वाला ऊपर चला जाएगा, ए उल्टा आ रहा है ना, अगर इसको वाई एक्सिस से पलटेंगे, वाई एक्सिस से फोल्ड एक्स एक्सिस से फोल्ड करेंगे, यहां हमने वाई एक्सिस से फोल्ड किया था, वाई एक्सिस से फोल्ड करके जो आएगा उसको एक्स एक्सिस से फोल्ड करेंगे तो सेम आएगा, मतलब ये ऑड सिग्नल है,
हम रिवर्सल वगैरह निकाल के आपको नहीं दिखाते, टाइम ज्यादा लगेगा। हमने इसको वाई एक्सिस से फोल्ड किया, वन वाली वैल्यू माइनस वन पे चली गई, थ्री वाली वैल्यू माइनस थ्री पे चली गई, फाइव वाली वैल्यू माइनस फाइव पे चली आई। अब जो रिजल्ट आया था वो तो सेम एक्शन से मैच नहीं कर रहा था, लेकिन जो डेड डॉट डॉट वाला जो रिजल्ट लिखा है उसको अगर एक्स एक्सिस से फोल्ड करें, ए वाला इस पे मैच कर जाएगा, ए वाला इस पे मैच कर जाएगा, ए वाला इस पे, मतलब इसको क्या पलटा, वाई एक्सिस से पलटा, फिर माइनस लगाया एक्स एक्सिस से पलटा, तो एक्स एन के बराबर आ गया। इसका मतलब एक्स एन इज ऑड सिग्नल। कैसा सिग्नल है? ऑड सिग्नल। तो बी पार्ट काम देख रहे हैं ना जी, बी पार्ट में पहला एक्स एन इज ऑड, हाँ पहला टू है, ऑड है तो इवन तो होगा नहीं, दो सेकंड पार्ट खत्म। एक्स एन प्लस अल्फा इज इवन सिग्नल, एक्स एन प्लस अल्फा इवन सिग्नल है क्या? अच्छा, कुछ शिफ्टिंग शाफ्टिंग करने पे इवन सिग्नल आ सकता है क्या? लगता तो है कि आ सकता है, कितना शिफ्टिंग करेंगे तो आ सकता है भी। अगर इसको यहां ले आए है ना, तो ये माइनस टू पे आ जाएगा, ये थ्री पे, हाँ वन की शिफ्टिंग करने से आ जाएगा ना, एक्स एन प्लस वन बनाएंगे तो क्या होगा, नीचे बनाता हूं, एक्स एन प्लस वन है ना, वन यूनिट लेफ्ट शिफ्ट कर दीजिए तो वन वाला जीरो पे चला जाएगा, मतलब जीरो पे माइनस वन, टू वाला वन पे जीरो, थ्री पे वन है तो टू पे वन हो जाएगा, फोर पे जीरो है तो थ्री पे जीरो, फाइव पे माइनस वन, फाइव पे माइनस वन है ना, तो ये वन शिफ्ट कर रहे हैं फोर पे माइनस वन, जीरो पे जीरो है तो माइनस वन पे जीरो हो गया, माइनस टू पे वन हो गया, माइनस थ्री पे जीरो, माइनस फोर पे माइनस वन। देखिए फोर वाली वैल्यू माइनस फोर पे है, टू वाली वैल्यू माइनस टू पे है, जीरो वाली तो जीरो पे है, तो इवन सिग्नल आ गया, मतलब एक्स एन प्लस वन इज इवन सिग्नल। तो अल्फा की शिफ्टिंग करने पे इवन सिग्नल आएगा, मतलब अल्फा इक्वल टू वन पुट कर दें तो e टू डी पावर j ओमेगा x e टू डी पावर j ओमेगा इज रियल। देखिए कैसे घुमा के पूछता है ना, e टू मतलब प्लस वन की शिफ्टिंग करने पे इवन सिग्नल आ रहा है, मतलब e टू डी पावर j ओमेगा x e टू डी पावर j ओमेगा इज रियल। ऑब्जेक्टिव ए बी सी डी पार्ट आएगा, एक जगह दिए रहेगा e टू डी पावर j ओमेगा x e टू डी पावर j ओमेगा इज रियल, बी पार्ट में माइनस j ओमेगा दिया रहेगा, सी पार्ट में 2j ओमेगा दिया रहेगा, E पार्ट में एक सी टू डी पावर जी ओमेगा इज रियल दिया रहेगा, ऐसे ऑप्शन रहेंगे और उसमें से एक को करेक्ट करना, टिक करना होगा। तो थ्री पार्ट का आंसर आ गया यस यस, और अल्फा की वैल्यू वन आ गई, अल्फा इक्वल टू वन, वन की शिफ्टिंग करने पे इवन सिग्नल आया। ठीक है, अब ये देखिए एक्स जीरो इक्वल टू जीरो है क्या? फोर पार्ट, जीरो पे जीरो है, जीरो पे जीरो है तो जीरो पे जीरो है तो मतलब माइनस पाई टू पाई एक्स टू डी पावर जे ओमेगा डी ओमेगा इक्वल टू जीरो होगा। तो फोर पार्ट का है ना, यस है। ठीक है, यस को क्या टिक कर देना। फाइव पार्ट, पीरियोडिक है क्या? पीरियोडिक तो सारे होंगे भाई, हर सिग्नल हर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म पीरियोडिक होता है। और माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स एन का सम जीरो है क्या? इधर वन है, इधर माइनस वन है, इधर माइनस वन है, इधर वन है, कट जाएगा, वन माइनस वन जीरो, वन माइनस वन जीरो, वन माइनस वन जीरो, सबको ऐड करेंगे तो ले देके जीरो ही आएगा, तो ए हो जाएगा सिक्स बी यस हो जाएगा, फर्स्ट यस, सेकेंड नो, थर्ड यस, अल्फा इक्वल टू वन, फोर बी यस, फाइव यस, सिक्स यस। अरे ये तो अच्छा था भाई, बहुत सारे यस होंगे। अब अगले पे आते, ए बी कर लिया हमने, कितने जल्दी जल्दी हो रहे हैं ना, अब ये और जल्दी होगा। सी पार्ट पे आते हैं, ये सब मिटाइए। सी पार्ट है एक्स एन इक्वल टू वन बाई टू टू डी पावर एन यू एन,
अब ये तो ना इवन होगा ना तो ऑड होगा, प्लॉट भी करेंगे तो देखिए राइट साइड होगा ना, जीरो पे जीरो, जीरो पे वन, वन थोड़ा बड़ा बनाया लगता है, छोटा होता जाएगा, वन पुट करेंगे, इवन है तो जीरो से लेके इन्फिनी तक पुट करेंगे इनकी वैल्यू, वन पुट करेंगे तो ये वन बाई टू, टू पुट करेंगे तो वन बाई टू का स्क्वायर फोर, थ्री पुट करेंगे तो वन बाई थ्री का स्क्वायर टू का पावर थ्री एट, इस तरह चलेगा। तो ये तो इसका वाई एक्सिस से रिवर्सल करेंगे तो सेम आने की संभावना तो है ही नहीं, तो ना तो ये इवन सिग्नल होगा, फर्स्ट का क्रॉस, सेकेंड भी क्रॉस, थर्ड कोई शिफ्टिंग शाफ्टिंग करने पे, देखिए सिमेट्री तो कहीं है ही नहीं ना, इसको शिफ्ट भी करिएगा लेफ्ट में लेके भी आएगा तो इधर वन आ जाएगा, इधर तो कहीं वन आएगा ही नहीं, तो राइट लेफ्ट शिफ्ट करने पे भी कोई इवन सिग्नल आने की तो संभावना है नहीं। एक्स जीरो इक्वल टू जीरो है क्या? नहीं भाई, एक्स जीरो पे तो वन है, तो फोर भी क्रॉस, फाइव तो पीरियोडिक तो सबने होना है, सिक्स टोटल सम, इसका टोटल सम करेंगे तो जीरो आएगा क्या? सम ही करके दिखा दे क्या, इनफिनाइट सीरीज है भाई, एन इक्वल टू जीरो टू इनफिनिटी वन बाई टू टू डी पावर एन, इसका सम वन अपॉन वन माइनस वन बाई टू, वन अपॉन वन बाई टू टू आएगा, इसका सम क्या आएगा? टू आएगा, जीरो नहीं आएगा भाई, तो सिक्स का भी क्रॉस हो गया। तो सी पार्ट में वन टू थ्री फोर क्रॉस, फाइव सिर्फ टिक हुआ है, बाकी सारे नो है, नहीं है, तो सी पार्ट भी कर लिए। अब आते हैं डी पार्ट पे, तो चल रहा है ना भाई, डी पार्ट पे आते हैं। एक वीडियो बनी है जिसमें लास्ट चार मिनट के लिए माइक ही बंद हो गई थी, है ना, डर लगता है भाई माइक तो बैटरी तो फिनिश नहीं होगी। डी पार्ट आते हैं, 1 बाई टू टू डी पावर एन, वन बाई टू टू डी पावर एन मॉड एन है या वन बाई टू टू डी पावर मॉड एन, है ना, ऐसा है ना, अब वन बाई टू टू डी पावर मॉड एन है, यहां भी गलत लिख दिया है। डी पार्ट, एक्स एन इक्वल टू वन बाई टू टू डी पावर मॉड एन, यहां से एक्स माइनस एन निकालेंगे तो वन बाई टू टू डी पावर मॉड ऑफ माइनस एन मॉड एन, सेम ही होगा, माइनस एन का मॉड करेंगे तो सेम ही आएगा, तो एक्स एन के बराबर आएगा, इसका मतलब एक्स एन इज इवन, एक्स एन इज इवन, इवन कौन सा था भाई? सेकेंड वाला, मतलब फर्स्ट वाला तो क्रॉस हो गया, और तो है नहीं, सेकेंड वाला इवन, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अल्फा सच दैट, तो अल्फा की वैल्यू जीरो भी तो हो सकती है ना, अल्फा इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो एक्स ई टू डी पावर जी ओमेगा रियल, मतलब एक्स एन इज इवन सिग्नल, तो थर्ड का भी यस ही मारेंगे और अल्फा इक्वल टू जीरो लिख देंगे, अल्फा इक्वल टू जीरो के लिए इवन सिग्नल है, अल्फा की कोई वैल्यू, जीरो भी एक वैल्यू होती है भाई, ऐसा नहीं है कि जीरो की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो जीरो आएगा आंसर और यस टिक करेंगे। फोर्थ, एक्स जीरो इक्वल टू जीरो, एन इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो वन आएगा भाई, फाइव पीरियोडिक तो सारे है, फाइव तो हर कोई का डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म पीरियोडिक ही होता है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्स एन का सम करेंगे तो जीरो आएगा। हाँ सर, दिखने में तो लगता है यहाँ की मॉड है तो प्लस का भी होगा माइनस का भी होगा, लेकिन सम जीरो नहीं आएगा भाई, इसको प्लॉट करेंगे तो एक्स एन आएगा, एन इक्वल टू जीरो पे वन होगा, एन इक्वल टू वन पुट करेंगे तो वन बाई टू होगा, एन इक्वल टू टू पुट करेंगे तो वन बाई फोर होगा, इधर आएगा, एन इक्वल टू माइनस वन पुट करेंगे तो भी वन बाई टू होगा, माइनस टू पुट करेंगे तो वन बाई फोर होगा, निगेटिव वैल्यू तो कभी आएगी नहीं ना, तो इसको सम करके कभी तो जीरो आ ही नहीं सकता है, तो सिक्स भी क्रॉस है, e टू डी पावर जे जीरो जीरो नहीं होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी समेशन एक्स एन का जीरो नहीं होगा, ठीक है, आ गया समझ में, सब एक जैसे हैं इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी मैं निपटा रहा हूं, ये हो गया। अब ई पार्ट पे आते हैं,
ई पार्ट में क्या है, एक्स एन इक्वल टू डेल एन माइनस वन प्लस डेल एन प्लस टू, एक्स एन इक्वल टू डेल एन माइनस वन प्लस डेल एन प्लस टू, इसको अगर प्लॉट करेंगे, डेल एन माइनस वन मतलब वन पे वन और माइनस टू पे वन, ये जीरो हो गया, माइनस वन हो गया, इवन ऑड तो होगा नहीं, वन वाला माइनस वन पे तो कोई वैल्यू ही नहीं आ रही है, और ना इधर इवन ना इधर ऑड, इवन सिंगल भी नहीं है ऑड सिंगल भी नहीं है, मतलब पहला क्रॉस दूसरा भी क्रॉस है, और अल्फा शिफ्टिंग टिक करके होगा इवन ऑड क्या, हाँ पॉइंट फाइव की शिफ्टिंग करने पे हो जाएगा लगता है, लेकिन पॉइंट फाइव नहीं एग्जिस्ट करता है भाई, डिस्क्रीट सिग्नल में पॉइंट फाइव की शिफ्टिंग नहीं चलती, ठीक है, अल्फा इंटीजर वैल्यू ही होनी चाहिए, नहीं लिखा है लेकिन आपको अंडरस्टूड है ना, ऐसा नहीं कर देंगे भाई कि एक्स एन माइनस जीरो पॉइंट फाइव कर दिया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा भाई माइनस वन पॉइंट फाइव पे वन, ये तो सरे वन वाला क्या आ जाएगा वन पॉइंट फाइव पे वन, ठीक है।